Okay, so children, today we are going to study subject ES of class 4. As you all know, we have completed chapter number 18. Now today we are moving further with chapter number 19. Let's eat together. Okay? Dekho, yahan pe class part. The school reopened today after the vacation. The children talk about how they had fun in their holidays. Okay? स्कूल जब वेकेशन की बात खुलता है, आपका भी समर वेकेशन होता है, फिर आप जब फर्स्ट डे स्कूल पे आते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते हो कि आपने वेकेशन में कैसे एंजॉय किया, क्या क्या किया, राइट? तो यहाँ पे भी वही है, स्कूल जो है बहुत टाइम बाद खुलता है समर वेकेशन के बाद, और अभी स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ सब शेयर करते हैं. देखो मीना, व्हाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर पाम्स? मीना जो है वो आरती को पूछती है कि आपने अपने हाथों में मेहंदी क्यों लगाई है. आरती, बिकॉज ऑफ माई अंकल्स वेडिंग. तो आरती क्या जवाब देती है कि मेरे अंकल की वेडिंग थी, इस वजह से मैंने हाथ में मेहंदी लगाई है. मीना, ओह यू माइट हैव हैड लॉट ऑफ फन देयर. मीना क्या बोलती है कि फिर तो तुझे बहुत मजा आया होगा मैरिज में, है ना. आरती, यस आई एंजॉयड लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. वो क्या बोलती है कि हमने बहुत एंजॉय किया और साथ में खाना भी खाया. रेहाना, शैल वी ऑल्सो ईट टूगेदर इन द क्लास. अभी रेहाना जो है यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उसमें एक का नाम होता है रेहाना, तो वो भी बोलती है कि क्या हम भी साथ में खा सकते हैं. जैसे ही आरती ने बोला कि हमने साथ में खाना भी एंजॉय किया, तो रेहाना भी बोलती है कि क्या हम लोग भी साथ में खाना खा सकते हैं. डेविड, वाओ इट विल बी फन, लेट अस डू दैट. तो उसमें एक बॉय होता है डेविड, वो क्या बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसमें बहुत मजा आएगा, चलो हम खाना खाते हैं. All have decided to arrange a party in the class. Each one started telling what would they bring from their home. On Saturday they all brought the things and enjoyed the party. A variety of dishes were there. All played, sang and danced together. अभी यहाँ पे डेविड ने बोला कि हम पार्टी करेंगे, ठीक है. तो वो लोग सब डिसाइड करते हैं कि ऑन सैटरडे सब लोग डिसाइड करते हैं कि मैं ये चीज लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा, ठीक है. और सब लोग सैटरडे को सारी चीजें लेके आते हैं और नाश्ता करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, डांस करते हैं, ठीक है. चलो अभी यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन किया गया है, देखो. डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स, क्या आपको दूसरों के साथ खाना पसंद है. On what occasion do you eat together with your friends? आप कौन से occasion पे अपने friends के साथ नाश्ता करते हो? Have you ever had a party in your class? When? How did you celebrate? आपने कभी class party की है? और कैसे celebrate की है? अगर की है तो what did you and your friends bring to the party? आप क्या लाए थे और आपके friends क्या लाए थे? ये सारे questions के बारे में आपको सोचना है, okay? What did you all eat? आप लोगों ने क्या-क्या खाया? Whom all did you invite for your party? आपने किस किस को invite किया? Who did not attend the party and why? और उसमें से किसने party attend नहीं की और क्यों नहीं की, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे उत्तरायण का festival के बारे में बात की गई है. Yes, अभी अभी उत्तरायण गया, right? तो आप लोगों ने उत्तरायण enjoy की होगी, तो आप लोगों को almost सब knowledge है उत्तरायण के बारे में, ठीक है. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बात की है. पिंकी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी रेन टू कॉल हर फ्रेंड्स सेजल, आयुष, तनवीर, फतिमा एंड इकबाल टू देयर हाउसेस. पिंकी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाती है उत्तरायण के दिन और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती है अपने घर पे. टुडे इज उत्तरायण, एवरीवन वाज हैप्पी. उत्तरायण थी और सब लोग बहुत खुश थे. दे हैव डन स्पेशल प्रिपरेशन टू सेलिब्रेट उत्तरायण. हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण, लेट्स सी. यहाँ पे क्या बोला गया है कि उन लोगों ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए, राइट? आप लोगों भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है. तो इन लोगों ने भी स्पेशल अरेंजमेंट्स की हैं, तो हम देखते हैं अभी उन लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया और उत्तरायण कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं. दे वॉक अप अर्ली, देयर एल्डर ब्रदर्स टाइड द काइट रिडल किन्ना एंड केप्ट देम रेडी ऑन द प्रीवियस डे. पिंकीज ग्रैंडमदर हैज मेड तिल्स लड्डू एंड क्राउनट्स चिकी. अभी देखो वो लोग सब जल्दी उठ जाते हैं और अगले दिन ही उसके बड़े भाई जो हैं, एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई जो हैं वो काइट की ब्राइडल बांध के रखते हैं, ब्रिडल किन्ने बांधते हैं ना आप लोग साइड से, ठीक है. तो यहाँ पे भी उसके ब्रदर्स जो हैं वो काइट की ब्रिडल यानी कि किन्ना बांध के रखते हैं और काइट्स को रेडी करके रखते हैं. और उसकी दादी ने भी क्या बनाया है, तिल के लड्डू बनाए हैं और ग्राउंडनट की चिकी बनाई है, ठीक है. Sejal has brought laddu of puffed rice
फ्रॉम होम। अभी उसकी एक फ्रेंड जो है, हमने यहाँ पे देखा कि उसने कौन कौन से फ्रेंड्स को इनवाइट किया, राइट। तो देखो अभी सेजल जो है वो अपने घर से क्या लेके आती है, पफ राइस यानी कि ममरे के लड्डू लेके आती है। तन्वीर हैज ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन, तन्वीर के गार्डन में बोर उगते हैं तो वो बोर लेके आया है। आयुष मदर ऑल्सो गेव फ्रेश बोर, और आयुष की मामा ने भी उसको फ्रेश बोर दिए हैं लेके आने के लिए। पिंकीज मदर इज प्रिपेयरिंग उंधियू, डू यू नो विच इंग्रीडियंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उंधियू। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो पिंकी की मम्मा ने उसको उंधियू दिया है लेके जाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि उंधियू बनाने के लिए आपको पता है किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, क्लस्टर बीन्स यानी कि ग्वार, ओके। फिर है रनर यानी कि वेलोर, रनर बीन्स यानी कि वेलोर एंड ब्रिंजल, पोटेटोज एंड टोमेटोज यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। फिर स्पाइसेस यानी कि मसाले जो हम डालते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्पाइसेस डालते हैं, कैप्सिकम कोरिएंडर एंड जिंजर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। विदाउट स्वीट पोटेटो एलिफेंट फूड एंड याम देर इज नो टेस्ट इन उंधियू, मदर एडेड वड़ा ऑफ फेनुग्रिक लीव्स टू इकबाल, वॉज सरप्राइज टू सी ऑल दिस। अभी यहाँ पे उसकी मम्मा ने और भी क्या डाला है, फेनुग्रिक लीव्स से बने हुए वड़े डाले हैं, है ना, उंधियू में बड़ी होती है ना, तो उसने वो भी डाले हैं उनकी मम्मा ने, ठीक है। और ये उंधियू टेस्ट करके इकबाल जो है वो सरप्राइज रह जाता है, राइट। ग्रैंड मदर वॉज मेकिंग हॉट जलेबी, ऑल हैव स्टार्टेड ईटिंग, और उसकी जो दादी है पिंकी की दादी, वो क्या बना रही थी, गरम गरम जलेबियां बना रही थी, और सबको वो देख के खाने की इच्छा होती है और वो लोग उसी टाइम खाने लगते हैं। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स, सम फ्लू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्ड फिरकी इन देयर हैंड। देखो अभी सब लोग जलेबियां खा के ऊपर टेरेस पे जाते हैं काइट चगाने को, पतंग उड़ाने को, सब कोई कोई है पतंग चगा रहा होता है और कोई लोग फिरकी पकड़ रहे होते हैं ना, सब लोग तो पतंग नहीं चगा सकते, ऐसा होता है ना, वन बाय वन करते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स जो है सब लोग ऊपर जाते हैं काइट फ्लाइंग के लिए, तो उस टाइम भी कोई पतंग चगा रहा होता है तो कोई फिरकी पकड़ता है, फिर अगेन वो पतंग चगाता है तो वो फिरकी पकड़ता है, ऐसे वो लोग पतंग चगाते हैं, ठीक है। एवरीबडी चीयर्ड, ए काप्यो ए गयो एंड ऑल्सो सैंग सॉन्ग्स, वो लोग सॉन्ग्स भी बजाते हैं और ऐसे चिल्लाते भी हैं। Throughout the day were in sunlight, they enjoyed a lot. अभी वो लोग sunlight यानी कि शाम तक वो लोग पतंग चगाते हैं और बहुत ही enjoy करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ questions दिए गए हैं तो उसके answers आपको ready करने हैं, ठीक है। आप जब school आओगे मैं पूछूंगी। फिर देखो यहाँ पे meet day meal मतलब दोपहर का खाना, ठीक है। It is 1:30 in the afternoon, the aroma of food being cooked has filled in the air. Our stomach is craving for food. We are so hungry that we are not able to pay attention to the lesson. अभी 1:30 होता है दोपहर का और aroma of food being cooked has filled in the air. मतलब food जो खाना बन रहा है, ठीक है, तो वो खाना बन रहा है उसकी smell जो है वो air में mix हो जाती है और बच्चे जो हैं उनको भूख लगने लगती है और वो लोग खाने के लिए वेट करते हैं, वो लोग वेट नहीं कर पाते, मतलब वो क्लास में भी अटेंशन नहीं दे पाते हैं और तुरंत ही बेल रिंग होता है। देखो 10:10 द बेल रिंग, ऑल द चिल्ड्रन रन आउट टू वॉश देयर हैंड्स, आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल सेट इन द क्यू टू टेक आवर फूड, वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली, बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर, ओके। बेल जैसे ही रिंग होता है बच्चे तुरंत ही भाग के हाथ धोने चले जाते हैं ना, आप लोग भी रिसेस का वेट कर रहे होते हो जब फिफ्थ पीरियड में और रिसेस पड़ती है तो कैसे तुरंत ही सब बुक्स पैक कर देते हो और हैंड वॉश करने जाते हो, चले जाते हो नीचे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही है कि बच्चे तुरंत ही, मतलब जैसे ही बेल रिंग होता है तो बच्चे तुरंत ही अपने हैंड वॉश करने चले जाते हैं, ओके। और उनको स्कूल में से ही प्लेट मिलती है खाने के लिए, और बिफोर वी स्टार्ट ईट वी सैंग टुगेदर, और क्या बोल रहे हैं, हम खाना खाने से पहले गाना गाते हैं। देखो कौन सा गाना हम गाते हैं, ये लोग, we play together, we eat together, for the food of everyone we will always be together, ठीक है। क्या बोलते हैं, हम खेलते भी साथ में, खाना भी साथ में खाते हैं, for the food of everyone we will always be together, हम लोग एक साथ खाना भी खाते हैं और हमेशा साथ में ही खाना खाएंगे। टुडे देयर इज चना चाट थेपला एंड सूखी सब्जी इन अवर मील, आज उनके मील में क्या है, चना चाट है, थेपला है और सूखी सब्जी है। Yesterday we had sukhdi and vegetable khichdi. इसके अगले दिन उन लोगों ने क्या खाया था, वेजिटेबल खिचड़ी और
सुखड़ी खाई थी. Outside the kitchen of the school menu is displayed. It tells what we will get on different days of the week. It is wonderful when we get sweet as an extra treat. ठीक है? उनकी स्कूल के बाहर पूरा मेनू लगा हुआ है कि वो कौन से दिन कौन सा खाना उनको मिलेगा और वो लोग कब खुश हो जाते हैं जब उनको स्वीट्स मिलती है एक्स्ट्रा ट्रीट में. मतलब कभी कभार उनको स्वीट्स मिल जाती है, जैसे कि आपको भी कभी कभार स्कूल में से केक मिलता है, राइट? स्कूल का फाउंडेशन डे होता है तब आप लोगों को क्लास में केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो वैसे यहाँ पे भी कुछ होता है, कोई ओकेजन होता है तो उन लोगों को एक्स्ट्रा स्वीट मिलती है, तो वो एक्स्ट्रा ट्रीट की वजह से वो बहुत खुश हो जाते हैं. There is another interesting thing about lunch time at school. अभी देखो lunch time, school के lunch time में और भी एक interesting चीज बता रहे हैं लोग. Every day we change our places in the circle and sit next to different child. I really like this because I can meet new children and make new friends. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, रोज सर्कल में बैठते हैं लेकिन हम रोज अपनी अपनी जगह चेंज करते रहते हैं और हम लोग नए नए लोगों से रोज मिलते हैं, इसलिए हम नए नए फ्रेंड्स बना सकते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है. Our teachers take care that all the children will get fresh and hot meal. Parents also offer special meal for health. ठीक है, अभी उनके टीचर्स क्या ध्यान रखते हैं कि उनको फ्रेश मील मिले और गरम गरम खाना मिले. ठीक है, और पेरेंट्स भी कभी कभार अपनी तरफ से खाना ऑफर करते हैं. जैसे कि किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो आप लोगों को स्कूल में पेंसिल वगैरह मिलता है. ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चे का बर्थडे हो या कोई ऐसा दिन हो कि उनको खाना खिलाना है स्कूल में, किसी का श्राद्ध वगैरह होता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी खाना देते हैं. हेल्प के लिए भी कोई कोई दे देता है कि किसी दिन उनका मन हुआ खाना खिलाने का, कि स्कूल की हेल्प हो जाए, तो उसके लिए भी वो लोग दे देते हैं. ठीक है, Nowadays things are better. We eat fresh, hot and properly cooked food together. अभी यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, हम लोगों को गर्म खाना मिलता है और अच्छे से पका हुआ मिलता है. We take care that all the students finish the food and they do not waste it. अभी टीचर्स क्या ध्यान रखते हैं कि बच्चे जो है वो खाना कम्प्लीटली फिनिश करें, जितना भी उन्होंने डिश में लिया है, और खाना वेस्ट ना करें. Eating together is fun. Sometimes if someone comes without eating from home, he or she can eat here. Do you like to study with an empty stomach? Imagine. चलो यहाँ पे क्या बोला गया है कि साथ में खाना खाने में बहुत मजा आता है उन लोगों को. ठीक है, तो अगर कोई बच्चा घर से खाना नहीं लेके आया है तो स्कूल में खाना मिलता है, इसलिए वो लोग कभी स्कूल में खा सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या देखा दिया गया है, देखो. Do you like to study with an empty stomach? क्या आपको empty stomach से खाना खाना पसंद है? आप लोग फिफ्थ पीरियड में कैसा करते हो, जैसे पीरियड आता है आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो बिल्कुल, भूख लगी है ना, तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि अगर आपको पूरा दिन खाने के बिना पढ़ाई करनी पड़े तो क्या कर पाओगे. ठीक है, तो वो इमेजिन करने को बोल रहा है. राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल, यहाँ पे आपको अपनी स्कूल के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं वो आपको लिखने हैं. ठीक है, व्हाट टाइम इज द मील सर्व, कितने बजे आपको खाना मिलता है, कैसा खाना मिलता है आपको, वहाँ पे खाना मिलता है वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने हिसाब से करने हैं. ओके चिल्ड्रन, सो वी आर कंप्लीटिंग हियर चैप्टर नंबर 19. ओके, आई एक्सप्लेन्ड यू, नाउ चूज द करेक्ट आंसर्स. आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द एक्सप्लेनेशन, नाउ वी विल डू चूज द करेक्ट आंसर्स. ओके, सी व्हाट डिड द चिल्ड्रन डिसाइड टू डू ऑन रिटर्निंग टू स्कूल आफ्टर वेकेशन. वेकेशन की बाद जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट इवेंट करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, पार्टी करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो बोलो चलो क्या करते हैं, बोलो, पार्टी करते हैं, राइट? तो नंबर वन में क्या आएगा, सी, अ पार्टी. ओके, तो अ पार्टी पे आपको अंडरलाइन करना है और ऑप्शन में आपको लिखना है सी. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण अबाउट. उत्तरायण का फेस्टिवल किस बारे में होता है, काइट फ्लाइंग. आंसर तो सबको आना चाहिए, राइट? तो बर्स्टिंग क्रैकर्स, मेकिंग स्वीट्स, फ्लाइंग काइट्स एंड कलर्स. तो हम बर्स्टिंग क्रैकर्स, क्रैकर कब बर्स्ट करते हैं, दिवाली में. स्वीट्स कब बनाते हैं, दिवाली में. ठीक है, काइट फ्लाइंग का फेस्टिवल, इसलिए सी आएगा आंसर. और डी है अबाउट कलर्स, यानी कि होली का फेस्टिवल हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्लाइंग काइट्स. तो हियर यू विल राइट सी और फ्लाइंग काइट्स. ठीक है, समझ में आया. Now see third number here. Which festival is celebrated as festival of colors? कौन सा festival colors का festival माना जाता है? So that is होली एंड धुलेटी. A में दिया है आपको आंसर. तो यहाँ पे क्या आएगा?
ए, तो आपको यहाँ पे साइड में बॉक्सेस दिए गए हैं, उधर आपको ए बी सी डी लिखना है जो भी आंसर हो, और फिर जो आंसर है उसके ऊपर आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नाउ सी फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन सा फेस्टिवल है जो कि भाई बहन का प्यार दिखाता है, वो तो आपको सबको पता है कौन सा फेस्टिवल है जो भाई बहन का होता है। यस करेक्ट, रक्षाबंधन। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में रक्षाबंधन, बी में है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। सो हियर वी विल राइट बी एंड हियर वी विल राइट रक्षाबंधन, ठीक है। नाउ सी फिफ्थ नंबर, हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन अ स्पेशल डे अकॉर्डिंग टू द गुजरात कैलेंडर, कौन सा फेस्टिवल जो है गुजरात कैलेंडर के हिसाब से स्पेशल डे पे सेलिब्रेट किया जाता है, उत्तरायण, क्रिसमस, दिवाली या फिर इंडिपेंडेंस डे, तो कौन सा आएगा, दिवाली, राइट। सो हियर वी विल राइट सी, दैट इज दिवाली। नाउ सी सिक्स नंबर, हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन अ स्पेशल डे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से स्पेशल डे पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में आता है, सो इट इज क्रिसमस, सो हियर यू विल राइट बी क्रिसमस, ओके। नाउ सी सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज नॉट यूज्ड इन उंध्यू, इसमें से कौन सी चीज उंध्यू में यूज नहीं होती है, तो पोटेटो, स्वीट पोटेटो, रनर बीन्स यानी कि पापड़ी और बिटर गार्ड, क्या आएगा बोलो, चलो बिटर गार्ड यूज नहीं करते हैं ना, करेला डालते हैं उंधियू में, नहीं डालते हैं, सो यहाँ पे आएगा डी, दैट इज बिटर गार्ड, ओके। तो हमें ये याद रखना है कि उंधियू में क्या क्या डाल सकते हैं, आपकी बुक में है इसलिए हमें ये याद रखना है, ओके चिल्ड्रन। नाउ सी नेक्स्ट, हियर इट इज, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। देखो उंधियू एंड जलेबी आर रिटर्न टू सेलिब्रेटेड डेस फेस्टिवल, तो कौन से फेस्टिवल में हम उंधियू और जलेबी खाते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कब बना रही थी उसकी दादी जलेबी, उत्तरायण के फेस्टिवल में, राइट। तो यहाँ पे आएगा उत्तरायण, ओके। नाउ सी नंबर टू, हियर फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स का फेस्टिवल कौन सा है, दिवाली, राइट। ये तो सबको आना चाहिए, सब लोग पटाखे चलाते हो ना, पता होना चाहिए ना कौन से फेस्टिवल में चलाते हो। देखो 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ डैश फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल माना जाता है, 15th अगस्त नेशनल फेस्टिवल, पूरा नेशन मनाता है इस फेस्टिवल को, राइट, इसलिए नेशनल फेस्टिवल। अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग क्वालिटीज एंड स्किल्स आर डेवलप इन स्कूल बाय डूइंग वेरियस डैश, स्टडीज के अलावा हमारी क्वालिटी और हमारी स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्कूल में हमें क्या करना चाहिए, किससे बढ़ती है हमारी स्किल्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से, ठीक है। तो किससे डेवलप होंगी स्किल्स, एक्टिविटीज, राइट। सो हियर यू विल राइट एक्टिविटीज। नाउ सी नंबर फाइव, हियर द फूड गिवन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल इन द आफ्टरनून नोन एज डैश, तो जो दोपहर का खाना हो स्कूल में, जो दोपहर का खाना मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिड डे मील। मैंने बोला ना मिड डे मील जब आया तभी मैंने बोला कि मिड डे मील मतलब होता है दोपहर का खाना। चलो नंबर सिक्स, क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ, किसका किसका फेस्टिवल है क्रिसमस, क्रिश्चियंस का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिश्चियंस, ओके। नाउ सी नंबर सेवन, पॉपकॉर्न, पॉप्ड राइस एंड डेट्स आर ईटन ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल में हम पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉप्ड राइस यानी कि भमरे और डेट्स, डेट्स मतलब होता है खजूर, कौन सा फेस्टिवल में खाते हैं, होली और धुलेटी में खाते हैं, राइट। सो हियर यू विल राइट होली धुलेटी, ओके। नाउ सी नंबर एट, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश, कब सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, सो हियर वी विल राइट 26 जनवरी, राइट। ये तो सबको पता है ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे, राइट। चलो अभी राइट रॉन्ग है यहाँ पे, देखो नंबर वन, मिड डे मील्स आर सर्व्ड इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स एट 11 AM, गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील 11 बजे मिल जाता है, तो राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना, तो वो 11 बजे थोड़ी होता है, वो 12 बजे के बाद होता है ना,
फेस्टिवल है, दो नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, कौन कौन से हैं, एक तो इंडिपेंडेंस डे और दूसरा रिपब्लिक डे, तो ये याद रखना है। फिर पीपल ईट फाफड़ा जलेबी ऑन दशहरा, तो दशहरे को हम फाफड़ा जलेबी खाते हैं, यस और नो, यस, तो यहाँ पर राइट। फिर देखो नंबर फोर, वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी इन ऑर्डर टू एंजॉय वेरियस स्वीट मीट्स। जन्माष्टमी हम क्यों एंजॉय करते हैं, क्या खा के एंजॉय करते हैं, स्वीट मीट्स खा के, है ना, मतलब मिठाइयां खा के एंजॉय करते हैं, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। जन्माष्टमी को ज्यादातर सबका उपवास रहता है, राइट, तो हम स्वीट मीट्स नहीं खाते हैं। रक्षाबंधन इज ऑल्सो नोन एज राखी और बले, रक्षाबंधन को राखी और बले भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आएगा राइट, यस। नाउ नंबर सिक्स, फेस्टिवल ऑफ भाई बीज इज सेलिब्रेटेड बाय अ गेट टुगेदर ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। भाई बीज का फेस्टिवल लोगों के गेट टुगेदर के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, भाई बीज के दिन भाई जो है वो बहन के घर खाना खाने आता है, सो यहाँ पे रॉन्ग, गेट टुगेदर नहीं होता है कम्युनिटी पीपल्स के साथ। अ स्टूडेंट इज मोल्डेड इनटू एन आइडियल सिटीजन इन स्कूल, राइट, आइडियल सिटीजन में वो मोल्डेड किए जाते हैं, आपको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाती है स्कूल में, राइट आएगा ना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग हियर, नंबर वन इट इज उत्तरायण, तो उत्तरायण काइट्स उंधियू एंड चिकी, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नाउ सी सेकंड नंबर, दशहरा, तो दशहरे के दिन हम क्या खाते हैं, फाफड़ा जलेबी, तो यहाँ पे आएगा ई, ठीक है। फिर देखो थर्ड नंबर में क्या है, होली धुलेटी, यानी कि वाटर गन्स एंड कलर्स, आप गन से पानी फेंकते हो एक दूसरे पे, राइट, और कलर्स से खेलते हो, तो यहाँ पे आएगा ए। फिर देखो फोर्थ नंबर, दिवाली, तो दिवाली में हम क्या करते हैं, लाइटिंग्स करते हैं हर जगह पे, राइट, तो लैंप लाइटिंग एंड स्वीट्स, दिवाली का फेस्टिवल में हम स्वीट्स ज्यादा खाते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा बी। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टू हियर, नाउ इन योर सीडब्ल्यू हार्ड वर्ड्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू लर्न दैट स्पेलिंग्स, ओके, सो दैट यू हैव टू डू, देन इट इज आइडेंटिफाई मी, आई एम फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, तो क्रैकर्स का फेस्टिवल कौन सा होता है, दिवाली, यहाँ पे नंबर वन में आएगा दिवाली। देन यू ईट पॉपकॉर्न पॉप्ड राइस एंड डेट्स ड्यूरिंग माई फेस्टिवल, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम मेरे फेस्टिवल में क्या खाते हो, डेट्स खाते हो, कि खजूर खाते हो, पॉपकॉर्न खाते हो और पॉप्ड राइस यानी कि ममरा खाते हो, तो मैं कौन सा फेस्टिवल हूँ, होली धुलेटी, यस, सो यहाँ पे आएगा होली धुलेटी। फिर देखो थर्ड नंबर में, आई एम द फेस्टिवल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, मैं कौन सा फेस्टिवल हूँ, भाई बहन के बीच का जो प्यार है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ, कौन सा फेस्टिवल हूँ मैं, रक्षाबंधन, राखी, राइट, आप लोग यहाँ पे राखी लिखोगे तो भी राइट पड़ेगा। नाउ सी नंबर फोर, इट इज आई एम फेस्टिवल ऑफ काइट्स, मैं काइट्स का फेस्टिवल, कौन सा आएगा, उत्तरायण। देन नंबर फाइव, इट इज आई एम फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर, मैं ऐसा फेस्टिवल हूँ जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट इज क्रिसमस, क्रिसमस में हमेशा इंग्लिश कैलेंडर देखा जाता है, ठीक है, 25 दिसंबर वो फिक्स ही है, ओके, सो क्लियर अप हियर, नाउ हियर मैच द फॉलोइंग इज गिवन टू यू, सी नंबर वन इट इज उत्तरायण,
देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं कि कौन सा फेस्टिवल कौन सी डेट को आता है, ठीक है। तो उत्तरायण कब आता है ये तो सबको पता है, 14 जनवरी राइट। तो यहाँ पे डी, फिर क्रिसमस 25 दिसंबर, क्या आएगा डी। फिर टीचर्स डे, टीचर्स डे कब आता है 5th सितंबर, किसमें 5th सितंबर ए में, सो यहाँ पे आएगा ए। फिर है रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे कब आता है 26 ऑफ जनवरी राइट। मैंने पहले भी आपको बोला 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15th अगस्त इंडिपेंडेंस डे। ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टू हियर, समझ में आया यहां तक सबको। आगे की चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू।